الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا امينا وعلى اله واصحابه اجمعين। सबसे पहले मैं आपने खालिक के मालिक आपने परवरदिगार का लाख लाख शुक्र एहसान है। रब तबारक व तआला ने हमें जामिया फातिमा ज़हरा रसा मदरसा अता फरमाया जिसकी हम खादिम की हैसियत से खिदमत कर रहे हैं। आज मैं मीडिया की विसालत से सबसे पहले मीडिया वालों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर वक्त हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। आज बिलखसूस कोई बड़ा ऐलान नहीं, आप सब जानते हैं रमज़ान मुबारक के बाद हर मदरसों का तालीमी साल का आगाज होता है रमज़ान के बाद शावाल के महीने में। इसी वजह से आप लोगों को हमने तकलीफ दी। आज जामिया फातिमतुज़्ज़हरा जो अहले सुन्नत जमात का मुनफरिद आ रहा है जिला पुंछ गाँव जुनैद डिंगले यूनिवर्सिटी कैंप के पास, जो बड़े अरसे से 7 साल मुदत हो चुकी है जो दीन की खिदमत कर रहा है बच्चियों का मुनफरिद आ रहा है, जिसमें इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत की 10 बच्चियां, आपने इससे पहले भी सुना है 10 बच्चियां फारुक होंगी। तो आज मैं मीडिया की विसालत से ऐलान कर रहा हूं जो हमारी पुरानी बच्ची है उनका दाखिला यानी 23, 24, 25 अप्रैल यानी बरोज मंगल बुध जुमेरात को होगा। मैं तमाम पुरानी बच्चियों से गुजारिश करूँ जिनके माँ बाप या बहन भाई सुन रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, आपकी बच्चियों की डेट है सिर्फ पुरानी बच्चियों जो एडमिशन दाखिला होगा बरोज डेट होगी 23, 24, 25 अप्रैल बरोज मंगल बुध और जुमेरात होगा। इसलिए पुरानी बच्चियों तमाम से मैं गुजारिश करूँगा वो 23, 24 अप्रैल के अंदर अंदर अपनी एडमिशन करा के जाएँ, बाद में हम नई बच्चियों लेंगे उस वक्त आपको किसी की बच्ची को परेशानी ना हो। उससे बाद जिला पुंछ की नई बच्चियों का टेस्ट होगा जो जिला पुंछ में सुनकोट मेंढर मंडी ये सब आ गया जिला पुंछ में, तमाम बच्चियों से गुजारिश की जाएगी, माँ बाप से गुजारिश की जाएगी जिला पुंछ की नई बच्चियों का टेस्ट होगा। जो टेस्ट होगा वो हमारे यहाँ मदरसे में 26, 27 अप्रैल बारोज जुमा हफ्ते के दिन होगा, बारोज जुमा हफ्ते के दिन 26, 27 अप्रैल को जिला पुंछ की बच्चियों का टेस्ट होगा। उनसे भी गुजारिश करेंगे जितनी दरखास्तें हमारे पास पहुंची है उन बहनों भाइयों से गुजारिश करेंगे अपनी बच्चियों को 26, 27 अप्रैल बरोज जुम्मा हफ्ता के दिन मदरसा जामिया फातिमतुज़्ज़हरा टेस्ट 9 बजे से लेकर 2 बजे तक जो टेस्ट होगा तमाम अपनी बच्चियों को सुबह वक्त यहां पहुँचाएं। उसके बाद वहां के लाइफ फाइक आलमा जो यहां पढ़ा रही है वो इंटरव्यू लेंगी। उससे बाद 28 अप्रैल बरोज एतवार के दिन कश्मीर की बच्चियों का, जम्मू की बच्चियों का, करल की बच्चियों का, रजौरी की बच्चियों का, हिमाचल की बच्चियों का, नई बच्चियों का टच 28 अप्रैल बरोज एतवार के दिन होगा। मैं मीडिया की विसालत से तमाम अपने भाइयों को सुनने वालों नाजरीन सबको शुक्रिया भी अदा करता हूँ, साथ ही साथ जो बच्ची अपनी को दीन सिखाना चाहते हैं जामिया फातिमतुज़्ज़हरा में लें, यहाँ खाने पीने का माकूल इंतजाम है, पढ़ाई का माकूल इंतजाम है और पर्दे का माकूल इंतजाम है और यहाँ लाइफ फाइक आलमा पढ़ाती हैं। और आप तमाम से गुजारिश है अपनी बच्चियों को ज्यादा तादाद में भेजें, इंशाल्लाह इस साल 400 बच्ची की एडमिशन हम करेंगे। आप तमाम सुनने वालों से जहां तक मेरा आवाज जा रहा है तमाम अपने इस्लामी भाइयों से गुजारिश है अपनी बच्चियों को ज्यादा ज्यादा दीन सिखाएं और बिलखसूस जामिया फातिमतुज़्ज़हरा जहाँ नाजरा की रात हिफ्स और साथ ही साथ आलमा फाजला की पूरी पढ़ाइयाँ होती है, आलमा फाजला लाइक फाइक आलमा यहाँ मौजूद है और आप तमाम से रश है ज्यादा ज्यादा तादाद में अपनी बच्चियों को इंटरव्यू दिलाएं, यानी इस साल फजीलत तक हमारी पढ़ाई हो रही है, इंशाल्लाह आइंदा साल हमारी 10 बच्चियां फारुक होंगी और इससे साथ साथ 1000 शोर भी करेंगे। 2 कुक की जरूरत है यानी लांगरी 2 औरत हो वो उनकी जरूरत है मदरसे में। आप कोई भी मेरी बहन सुनने वाली हो जो काम कर सकती है खाना बना सकती है वो भी दरखास्त पेश कर दे हमारे मदरसे में, उनकी जरूरत है। और आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलखसूस जितनी बच्चियां जितने में बच्ची के माँ बाप और जो बच्चियों तालीम देने वाले सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा बढ़ चढ़ के अपनी बच्चियों को इंटरव्यू में लें और अपनी बच्चियों को पढ़ाई करें और हज़रत फातिमा की सीरत लाएं सिखाएं। हज़रत फातिमा की सीरत में रब तबारक तआला की बारगाह में दुआ को अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम मुकर्रम अता फरमाए और अल्लाह पाक हज़रत माई फातिमा के इस मदरसे की दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और जितने मेरे भाइयों आज तक ताऊंगी अल्लाह ताला उन पर भी अपना रहम मुकर्रम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।